हुआ क्या मेरे साथ, जैसे कि फ्लाई स्काई का रिसीवर ऑनलाइन किए थे। ये मॉडल नंबर है इसका FS9, FS R9B मॉडल नंबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका। तो इस मॉडल इसका हम फ्लाई स्काई का ट्रांसमीटर यूज करते हैं। और फिर तो क्या हुआ, जैसे कि और दो हम ऑनलाइन किए अपने यूज के लिए, तो दोनों हम चेक नहीं कर पाए थे गाइज। एक चेक किए तो अच्छा था वो, फिर अब हमें जरूरत पड़ी जब दूसरा का यूज दूसरे वाले को यूज करने के लिए, तो गाइज वो एक काम ही नहीं कर रहा था और एक मेरे पास अलग से था जो अच्छा अच्छी तरीके से काम कर रहा था। तो वो मेरे कुछ निगेटिव और पॉजिटिव पोलरिटी की वजह से वो मेरा खराब हो गया था। तो गाइज जब भी आप ऑनलाइन कोई भी सामान परचेज करें तो उसको पहले चेक कर लें, दोनों जो भी जितना भी हो। तो ये एक चेक किए तो सोचे कि वो भी ठीक होगा, या फिर अलग से उसको चेक नहीं कर पाए थे। तो आज हम इसको रिपेयर करना बताएंगे किस प्रकार से। यदि कुछ भी चीज, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इस सब के बारे में जानते हैं, तो यदि आपके पास दो चीज है सेम और कोई एक खराब हुआ हो, तो आप उसको ऐसे बर्बाद ना होने दें। क्योंकि कभी कभी ऐसा चीज होता है, उसमें पहले ओपन करके उसको चेक करिए कि क्या चीज उसमें खराब है। इसके बाद उसमें दोनों में चेंजिंग करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा पहले से खराब तो हो ही चुका है। तो वीडियो उसका टोटली नहीं बना पाए हम, क्योंकि अभी देख रहे थे कि जो कि मेरा रिसीवर था वो वर्क नहीं कर रहा था। इसमें LED फ्लैश हो रहा था बट बाइंड नहीं हो पा रहा था रिमोट ट्रांसमीटर से हमारा। कि कुछ भी चीज हमारा खराब हो, या फिर ड्रोन का कुछ भी चीज हमारे पास खराब हो, तो उसको थोड़ा सा ओपन करके और खुद से देखा करिए कि क्या चीज एक्चुअल में प्रॉब्लम होता है और क्या क्या चीज इसके अंदर में होता है। तो क्योंकि इससे जो भी चीज आप इससे छेड़छाड़ जितना करेंगे उसको देखेंगे, कोई कोई चीज ऐसा होता है जिससे कि हमारा चेंजिंग नहीं हो पाता है। तो उसमें कोई वायर या फिर नॉर्मल प्रॉब्लम भी रहता है, इसमें तो मेरा वर्क नहीं कर पाता है। तो इसलिए रिपेयर करने के पर्पज से इसको नहीं खोले थे, वैसे देखना चाह रहे थे कि क्या क्या चीज इसमें दोनों में वैल्यू अलग अलग दिखा रहा है। तो उसके अनुसार IC को इसका चेंज कर दिए। तो वो वाला मेरा रिसीवर जो एरोप्लेन में लगाए हुए हैं अभी, तो वो मेरा वर्क कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से जो रिसीवर होता है तो उसको यदि खराब हो जाए तो किस प्रकार से आप रिपेयर कर सकते हैं, यदि सेम उसी प्रकार का यदि आपके पास एक और रिसीवर हो। तो जैसे कि मेरा पीछे में बताया कि दो मेरे पास खराब रिसीवर था और एक अच्छा था, तो उन दोनों खराब रिसीवर जो था उन दोनों में कंपेयर करके और एक अच्छे वाले रिसीवर से सारे कंपोनेंट के जो भी वैल्यू है तो उन वैल्यू को चेक किए, तो जो भी मिस्टेक्स आई तो एक IC में आया जो कि उसको हमने चेंज किया। जैसे कि आप इसमें ये IC देख सकते हैं, और ये मेरा रिसीवर है, आप देख सकते हैं 9RB FS 9RB। तो ये रिसीवर था, तो इस प्रकार से हमने इसको चेक किए। जैसे कि ये जब हम IC चेंज कर रहे थे तो उस समय अभी तो रिपेयर करने के पर्पज़ से नहीं कर रहे थे, ये हमने सोचा कि चलिए हम इस IC को चेंज कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि इस IC में थोड़ा सा दो पिन शॉर्ट दिखा रहा था, तो उस IC को मैंने चेंज किए। तो चेंज करने के बाद जब मैंने चेक किए तो मेरा रिसीवर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था, तो सोचे कि चलिए इस पे वीडियो बना देते हैं कि यदि आपके पास भी दो रिसीवर यदि ख़राब हो तो आप उसमें वैल्यू चेक करके और उसका जो भी कंपोनेंट है तो उसको चेंज करके और आप कोई भी एक रिसीवर बना सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। क्योंकि मेरा दोनों ख़राब था तो सोचे कि यदि हम चेंज करके देखते हैं, IC भी ख़राब हो चेंज करने में या फिर कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों वर्क नहीं कर रहा है। तो जो इसमें तीन कंपोनेंट ख़राब था और इसमें केवल IC ख़राब था, तो इसमें से IC निकाल करके और ये दूसरे वाले रिसीवर में लगाए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे कि आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा हमें कि तीन नंबर पिन, यानी कि ये अपर साइड है, तो ऊपर वाले जो पिन है ये सिग्नल का है,
और नीचे वाला जो है निगेटिव है। तो तीन नंबर पिन में कनेक्ट करेंगे यहाँ से 1, 2 और 3, तो इसमें लगा देंगे। तो ये हमने एक ESC का BEC पॉइंट को लगाया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और जब भी आप ड्रोन में जो भी चीज़ यूज करते हैं तो उसका पोलैरिटी और नंबरिंग अच्छी तरीके से सेट करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खराबी इसी वजह से होता है, या फिर पोलैरिटी चेंज हो जाना है, डायरेक्शन ये वो, मतलब कि इसी वजह से ज़्यादा हमारा जलता है और क्रैश होने के वजह से भी हमारा ख़राब होता है। तो पहले की जो IC होती थी, क्रैश होने से उसका IC बहुत जल्दी ही जल जाता था, बट अब हम जो भी यूज कर रहे हैं ESC, वो बहुत ही हेवी रह रहा है, क्योंकि क्रैश होने के बाद भी हमारा वो ESC नहीं जल पा रहा नहीं जल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हम माइनस और प्लस करके देख के अच्छी तरीके से फिर प्लग इन करेंगे, और आप देख सकते हैं अभी इसमें कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं हो रहा है, कोई भी लाइट नहीं इसमें जला हुआ है, और मैंने इसमें बैटरी का कनेक्शन भी दे चुके हैं। तो जैसे ही हम अब ट्रांसमीटर को ऑन करेंगे तो इसमें लाइट जलना चाहिए, क्योंकि पहले से ये बाइंड था ये रिमोट से हमारा रिसीवर। तो चलिए इसको हम ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें लाइट जल चुका है, तो यानी कि जो IC हम लोग चेंज किए हैं ये छोटा वाला, तो इसका नंबरिंग गाइज अच्छी तरीके से नहीं दिख पा रहा था, जिसके वजह से हमें अच्छी तरीके से आपको नहीं दिखा पाए। तो इसको पहले कैलिब्रेट करना होगा इस ESC से, क्योंकि बिना कैलिब्रेट के ये नहीं चल सकता है। तो आप देखें कि ट्रांसमीटर का जब ही स्विच को ऑफ किए तो इसमें का लाइट ऑफ हो गया। तो चलिए इसमें लगे रहने देंगे और थ्रोटल को मैक्सिमम करके और फिर हम ट्रांसमीटर का स्विच को ऑन करेंगे। तो ये अलग कर लेते हैं। तो जैसे कि पहले भी जो भी कैलिब्रेशन होता है वो मेरे चैनल पे है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो ऑन करने के बाद पीप की आवाज़ आएगी, और फिर पीप की आवाज़ आने के बाद नीचे करेंगे थ्रोटल को, इसके बाद आप यूज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इजीली ये मेरा ट्रांसमीटर से रिसीवर कनेक्ट हो करके और ये मेरा मोटर इजीली वर्किंग कंडीशन में है गाइस। तो चलिए इसी प्रकार से जो भी चीज़ जानकारी होता रहता है तो अपने चैनल पे अपलोडेड करते रहते हैं, जो जो कि यूट्यूब पे अभी अपलोडेड नहीं है। तो आप मेरे चैनल पे उसे जा कर के देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो अलग से हम डाले हुए हैं। तो गाइज़ वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना नहीं भूलिए। तो इस प्रकार से और भी कोई नया वीडियो लेकर के आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।